व्यर्थ और अनर्थ से मुक्त होकर तीर्थ की प्राप्ति के लिए निरंतर श्रवण भक्ति करते हुए सक्रिय सहभागी श्रोतागण, कैसे सीमाएं बांधनी होती है और सीमा बांधने का पहला सत्र क्या हो सकता है, क्यों सीमा बांधनी, क्यों कमिटमेंट करनी, सीमा बांधने का मीनिंग है कमिटमेंट करनी, प्रतिज्ञा लेना, पचकान लेना, एक कमिटमेंट स्वयं के साथ किया हुआ संकल्प है। और स्वयं के साथ जिसमें आप कोई संकल्प करते हैं, वो संकल्प करने के दो तरीके, एक तीर्थंकर परमात्मा और आराध्य गुरुदेव के साक्षी में संकल्प लेते हैं और एक स्वयं की ही बन से लेते हैं। अब इसमें अंतर केवल इतना सा है, यदि आप देव और गुरु के अनुमोदन से कोई संकल्प लेते हैं, उनके साक्षी में लेते हैं, तो उनकी शक्ति, उनका मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद अपने संकल्प के साथ जुड़ जाते हैं। और शायद ही नहीं, निश्चित रूप से ऐसे धर्म के संकल्प, साधना के संकल्प, इनको अपने बल पर पूरा करना इतना सहज नहीं होता है जितना गुरु और परमात्मा के आलंबन से संभव होता है। उनके साक्षी से संकल्प लेना, ये उनके बल को प्राप्त करने की विधि है। क्यों लेना और कैसे लेना, नहीं लिया तो क्या फर्क पड़ेगा और लिया तो क्या अंतर आएगा। कई लोग ये कहते हैं कि हम नहीं करते तो पाप क्यों लगेगा। आप नहीं करते हैं लेकिन करने की संभावना के दरवाजे खुले रखे आपने, और करने की संभावना जब खुली रहती है तो कभी भी हो सकता है, बीच पड़ा हुआ अंदर में। अनादिकाल की जो अपनी यात्रा चली हुई है, उस अनादिकाल की यात्रा के कारण से पाप करने के बीच, पाप करने की संभावनाएं, पाप करने की शक्तियां, पाप का मार्ग चिर परिचित है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में आश्रव के लिए, पाप के लिए विशेषण गया, चिर परिचयम। गुस्सा करने का, हिंसा करने का, झूठ बोलने का, चोरी करने का, वासना का खेल खेलने का, परिग्रह करने का, ये जो है ये हमारे बहुत फैमिलियर रास्ते हैं, बहुत परिचित रास्ते हैं। इन रास्तों पर चलने की हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि इन रस्तों पर चलते समय सोचना ही नहीं पड़ता है, आदत हो गई है। झूठ बोलना कुछ नहीं लगता है, सोच भी नहीं लगता, अपन झूठ बोल रहे हैं अपने ध्यान में भी नहीं आता है, अपन चोरी कर रहे हैं अपने ध्यान में भी नहीं आता, हम वासना का खेल खेल रहे हैं अपने ध्यान में भी नहीं आता, हम कोई परिग्रह कर रहे ध्यान में भी नहीं आता, क्योंकि आदत हो गई, जैसे हैबिचुअल हो गया। वैसे ही जैसे आज आप हिंदी भाषा बोलते हैं, मराठी भाषा बोलते हैं, ये भाषा बोलते समय आपको सोचना थोड़ा पड़ता है भी, चलो गया। एक छोटी सी बात पे नहीं समझ सको, किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत कोई जन्म से नहीं लगती, गुटखा खाने की आदत कोई जन्म से नहीं लगती, शायद कम से कम 10 साल के बाद, 15 साल के बाद लगेगी, लेकिन 15 साल के बाद एक 4-5 साल हो जाए उसको गुटखा खाते हुए, शराब पीते हुए, तो गुटखा खाना और शराब छोड़ना, ये दोनों चीजें छोड़ना उसके लिए कितना भारी हो जाता है। ऐसे भी उदाहरण है, ऐसे भी प्रसंग है, ऐसे भी व्यक्ति है कि जिनको डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें जिंदा रहना है, तुमको छोड़ना है, लेकिन नहीं छोड़ पाते। उनको पता है कि ये लेने से मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं, तो भी छोड़ नहीं पाते। क्यों? आप एक शब्द प्रयोग करते हैं उसके लिए, आदत से मजबूर है। यदि एक 5 साल की, 10 साल की आदत छोड़ना मुश्किल काम है, तो पाप करने की आदत तो
कितनी करोड़ों अरबों साल पहले की, अनादिकाल से पृथ्वी काय से लेकर तो मनुष्य तक आने तक, और जब तक हम पचकान नहीं लेते, प्रतिज्ञा नहीं करते, तब तक सारी आदत वही लगी हुई है, सीखना नहीं पड़ता है। बच्चे को झूठ बोलना सीखना नहीं पड़ता है, बच्चे को चोरी करना सीखना नहीं पड़ता है, बच्चे को हिंसा करना सीखना नहीं पड़ता है, पाप करना सीखना ही नहीं पड़ता है। और जिसको सीखना नहीं पड़ता है उसके ट्रेनिंग के सेंटर है, हिंसा के ट्रेनिंग सेंटर है, झूठ बोलने के ट्रेनिंग सेंटर है, चोरी करने के ट्रेनिंग सेंटर है, वासना के खेल खेलने के ट्रेनिंग सेंटर है, परिग्रह रखने के ट्रेनिंग सेंटर है, पाप के ट्रेनिंग सेंटर है। ये सारी जहां युद्ध कलाएं सिखाई जाती है, ये किसकी ट्रेनिंग देते हैं आपको? जहां राजनीति या कानून या वकील, इसमें किसकी ट्रेनिंग होती है? ये टैक्स बचाने की, किस तरीके से बचाना, ये ट्रेनिंग किसकी है? ये सारी तुम्हारी पिक्चर, ये सारी सेक्सुअल मूवियां, ये आपको क्या दे रही है? ये ट्रेनिंग ही दे रही ना उसकी। और ये ट्रेनिंग इतनी गहरी हो चुकी, इतनी गहरी हो चुकी है कि हम खुली आंखों से देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं। यदि बिल्कुल करंट एग्जाम्पल देना हो तो सुशांत राजपूत एक एग्जाम्पल सामने लीजिए, जो बिल्कुल आज चर्चा में है। क्या गया साथ में उसके, क्या क्या नहीं किया उसने, सारे खुल रहे कि नहीं? ये सारा देखने के बावजूद भी आदमी बाज नहीं आता, क्योंकि आदत लग गई। अरे किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको पता चलेगा, देखोगे तो पता चलेगा, फोटो देखोगे तो भी पता चलता है कि तंबाकू खाने से कितने लोग कैंसर से मर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई लोगों ने तंबाकू गुटखा खाना बंद नहीं किया है। सारे डॉक्टर, सारे संत, सारे समझदार लोग बोलते रहते हैं, वो भी सुनते रहते हैं, और वो एक ही सोचते रहते कि नहीं मुझे नहीं होगा, कि मैं बहुत प्रमाण लेकर के आया। और समझदार तो क्या कहो आपसे, ये क्यों कि अनादिकाल की आदत है। और अनादिकाल की आदत से यदि बाहर निकलना हो तो स्ट्रांग कमिटमेंट लगती है, बहुत सशक्त प्रतिज्ञा लगती है, बहुत आस्थापूर्ण प्रतिज्ञा लगती है, बहुत गहरे समर्पण के साथ प्रतिज्ञा लगती है, बहुत अवभाव से प्रतिज्ञा लेनी होती है, बहुत समर्पण के साथ प्रतिज्ञा लेनी होती है, तब जाकर के वो प्रतिज्ञा अपने ही अनादिकाल से लगे हुए संस्कारों के खिलाफ, पचकान लेना, हिंसा नहीं करने का संकल्प करना, यानी अपना ही जो अतीत का कैरेक्टर है, आज तक जो हम करते आए, व्यक्ति स्वयं जो करता आया है, उसके खिलाफ चलने की तैयारी करना, स्वयं के ही संस्कारों को दी हुई चुनौती, अपने ही व्यक्तिमत्व को दी हुई चुनौती। एक शराबी ने शराब छोड़ने का निर्णय करना, इसका मतलब एक उसका जो शराब पीने का कैरेक्टर है उसको वो चुनौती दे रहा है, उसको वो चैलेंज दे रहा है। और स्वयं के ही अस्तित्व को चैलेंज देने के लिए बहुत बल लगता है। इसीलिए कहते अपान मेव जुझे किम जुझे न बच्चों, ये स्वयं के साथ युद्ध करना है, ये स्वयं के साथ एक लड़ाई लड़ना है, अपने ही पुराने संस्कारों के खिलाफ। और जो अपने पुराने संस्कारों के खिलाफ, जिन संस्कारों के कारण से, जिन आदतों के कारण से, जिस बैड कैरेक्टर के कारण से उसने संसार का दुख भोगा है, यदि उसको दुख मुक्त होना होगा तो दुख का रास्ता छोड़ना पड़ेगा।
यदि परेशानी से बचना होगा तो परेशानी का रास्ता छोड़ना होगा। यदि आग में जलने से बचना होगा तो जहां आग है वहां से दूर जाना पड़ेगा। यदि खाई में से गिरने से बचना है, खाई में गिरने से बचना है तो खाई की ओर जाने वाले रास्ते पर दौड़ लगाना बंद करना पड़ेगा। और ये दौड़ लगाना जब तक आप बंद नहीं करते, और दौड़ लगाना बंद करना इन्हें सबसे पहले, मैं दौड़ नहीं लगाऊंगा, मैं इस रास्ते पर नहीं चलूंगा, ये इमोशन तैयार करना है, ये भावना तैयार करना है, ये अंदर में श्रद्धा, ये आस्था का जागरण करना है कि मैं इससे बचा रह सकता हूं, मैं ये नहीं करूंगा, इन्हें नहीं करूंगा। इस पर जब तुम्हारी श्रद्धा होगी कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसे बच सकता हूं, यदि तुम्हारे में आस्था जन्मती है तो संकल्प करना आसान है। और ये आस्था नहीं है, मन में ढवाल हो रहे कि मालूम नहीं मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, मैं छोड़ सकता हूं कि नहीं छोड़ सकता हूं। इस द्वंद्व में जो रहते हैं वे संकल्प लेकर के भी निभा नहीं पाते, जिनका माइंड डिवाइड हो जाता है। हमारे सारे भगवान महावीर के शासन में रहते हुए कई व्यक्तियों से मुलाकात होती है, दोनों प्रकार के व्यक्ति से मुलाकात, जैन साहब है चेन्नई के, जिनकी उम्र जिस समय उन्होंने पचकान लिया उस समय उनकी उम्र कम से कम 75 की एज थी। उनके बहुत जिगरी दोस्त भाई जैसे देवराजी जैन के सेंटर पर हम रुके हुए थे और वहां वो दर्शन के लिए आए थे और वो गुटखा खा रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे आप, छोड़ो इसको। पता नहीं उस समय क्या अवसर था, कैसे था, पता नहीं, मैंने कोई लंबा लेक्चर भी उनको नहीं दिया था, सिंपल सी बात कही थी, लेकिन उन्होंने इतने गहराई से ली कि बोले मां सब पचका। आसपास में जो लोग खड़े थे वो भी चकित हो गए, ये आज 40 साल से खा रहे हैं, रोज के कम से कम 20 पुड़िया खाते हैं और एक झटके में छोड़ेंगे। कहा उनको, बोले नहीं मां सब पचकान दे दो आप, तो कह रहे। और मैंने पचकान दे दिया और पचकान इतने गहराई से उन्होंने लिए थे कि उनको कोई परेशानी नहीं गई। जो नॉर्मली होता है कि गुटखा छोड़ने वाले को कभी हाथ पांव कांपते हैं, नींद नहीं आती, बेचैनी होती, परेशानी होती, बहुत कुछ होता है, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, एक दिन भी उनको उसकी याद नहीं आ पाई। कैसे हुआ ये, क्यों नहीं मुड़ करके देखा उन्होंने उसकी तरफ। कंचु का ही त्यागे तिलक ऋषि जी महाराज साहब ने इस प्रक्रिया को एक छोटा सा शब्द दिया, जैसे सांप के शरीर पर एक कांत आती है, नई स्किन आती है, और वो स्किन उसके पूरे शरीर पर छाते 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 उसकी आंखों पर भी आ जाती है, उसको दिखना बंद हो जाता है। लेकिन एक दिन वो सारी कांत छोड़ देता है और जहां कांत छोड़ता है उधर मुड़ करके नहीं देखता, उधर जाता ही नहीं। कंचु का ही त्यागे तीम दूर भागे, जैसे सांप अपनी ही कांत को छोड़ करके जब निकलता है चलता है तो पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। वैसी अनुभूति जिसको हो गई वही अपने संकल्प पर पक्का रह सकता है। वो अनुभूति होनी चाहिए कि मैंने जो छोड़ा वो गंदगी छोड़ी है, मैंने जो छोड़ा वो जहर छोड़ा है, उसको पीछे मुड़ करके देखने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन वो होगा कैसे, और उसी की प्रक्रिया आपके साथ चलनी है। एक बार उसके परिणामों की अनुभूति करें और परिणामों की अनुभूति करने के साथ
एक छोटा सा जो अपना मिसकंसेप्ट है कि मैं जब पाप करता नहीं हूं तो मुझे पाप कैसे लगेगा। भगवान महावीर से इंद्रभूति गौतम ने भगवती सूत्र में एक सवाल पूछा है कि भगवान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप नहीं करूंगा यह संकल्प नहीं लिया है, उसने कमेंटमेंट नहीं करी है और बिना कमेंटमेंट करे उसने कमेंटमेंट नहीं करी है कि मैं पाप नहीं करूंगा, पचकान नहीं लिया, बिना पचकान लिए वो ना झूठ बोलता है, ना किसी पाप का सेवन करता है, ना पाप का सेवन कराता है, सपने में भी वो पाप नहीं करता है, सपने में भी नहीं करता है, दिन में तो करता ही नहीं है, होश में तो करता ही नहीं है, सपने में भी नहीं करता है। भगवान वो पाप नहीं करता है, पाप के विषय में चिंतन नहीं करता है, सपना भी पाप का नहीं देखता है, फिर भी क्या उसको पाप कर्म का बंध होता है? उसने पचकान नहीं लिए बोले। और भगवान महावीर ने फरमाया कि इंद्रभूति गौतम, यदि उसने पचकान नहीं लिए है तो 24 घंटे उसको 18 पाप लग रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या हो गई कि वो पाप करता नहीं है, पाप बोलता नहीं है, पाप को समर्थन नहीं करता है, बस इतना ऐसा किया उसने कि मैं पाप नहीं करूंगा ये कमिटमेंट नहीं करी, फिर उसको पाप कैसे लगेगा, क्या कारण? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीप चंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।